सो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गिव एंड टेक फार्मूला, और आपने बहुत बार सुना होगा कि जब तक आप किसी को अपना कुछ नॉलेज नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आपको वो कुछ नहीं देगा, लाइक डाटा नहीं देगा, राइट? तो उस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं बताने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसी चीजें काम करती हैं। मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन में है तो आपको फनल के बारे में पता होगा, नहीं पता है डिटेल में पता करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, जाके जरूर देखना चैनल पे, ठीक है? वीडियो सेक्शन में चल जाना, ये वो वीडियो है, जाके अच्छे से देखना, समझना कि ये वीडियो आपको बताएगी कि फनल क्या है, राइट? और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गिव अवे फनल कैसे काम करता है, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो। ओके, सो गिव अवे फनल के बारे में सीधा हम लोग बात करेंगे, बट यहां मैं बोलना चाहूंगा अगर आप नए मेहमान हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और एक लाइक जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है और मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं मेरी मेहनत को आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी कमेंट करके। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं हम स्क्रीन पे, एंड आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट यू नो ऑलरेडी, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो गाइस देखो, गिव अवे फनल में क्या चीजें रहती हैं सबसे पहले मैं बता दूं, और मैं दिखाऊंगा भी, डोंट वरी, कैसे गिव अवे फनल होता है। ओके, तो ये होता है फर्स्ट पेज गिव अवे फनल का, जिसमें आप एक OTP फॉर्म लगा के रखते हो, ठीक है? अब ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है जिसमें आपका ईमेल और नेम, राइट, नॉर्मली यही होता है, ईमेल और नेम आपको फिल करना रहता है। अगर आप एक कस्टमर हो, एक प्रोस्पेक्ट हो, जो भी बंदा इस चीज़ को शेयर कर रहा है उसके, तो आपको यहाँ पर अपनी दो चीज़ें फिल करनी होती है। ओके, देन यहाँ पर एक पेज आता है जिसको बोलते हैं थैंक यू पेज। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, ठीक है? ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ पहले ही बनाई है, और अभी मैं आपको बता देता हूँ ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर कैसा होता है, क्या होता है, वो भी मैं भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी। एंड जो सेकंड पेज होता है, ये थैंक यू पेज होता है, ठीक है? अब थैंक यू पेज में एक डाउनलोड का बटन होता है, या तो आप बोल देते हो अपने बायर को या अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर को, वॉट एवर जो भी कह लो आप, वो यहाँ से अपना फ्री PDF या फ्री कोर्स जो भी आप उसको गिव अवे कर रहे हो वो वहाँ यहाँ से कलेक्ट कर ले। अदरवाइज आप उसको बोल देते हो कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे ईमेल पे मेल कर दूंगा तुम्हारा जो भी सामान है, ठीक है? ये दो चीजें आप करते हो, तो ये जो है ये होता है गिव अवे फनल। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि ईमेल ऑटोमेशन का यूज किया जाता है, ईमेल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो यहां पर देखो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ दैट इज कॉल्ड मेलिंग बॉस, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर आई थिंक, मेलिंग बॉस 5.0। तो ये काफी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है? कैसे सेट करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगने वाली वीडियोस में बात करूंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पर मैं आपको जैसे दिखाना चाहता हूँ कि कैसे गिव अवे फनल काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, लोगों को यही सारी चीज़ें समझ नहीं आती, राइट? हैं बहुत सिंपल चीज़ें, बट समझना एक नेक्स्ट चीज़ है, एक दूसरी चीज़ है, राइट? तो उस चीज़ को आप समझो जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक? तो यहाँ पर मैं देखो मेरे पास बहुत सारे गिव अवे फनल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है? क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जिसमें सारी चीज़ें होती हैं प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको एक गिव अवे फनल ओपन करके दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ये फनल ओपन करते हैं। ओके, लेट्स सी। सो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना, यहाँ दो पेजेस होते हैं ओनली, राइट? एक आपका यहाँ पर आप जहाँ पर फॉर्म सबमिट करते हो, जहाँ पर आपका फॉर्म रहता है, जहाँ पर आप अपने डाटा सबमिट करते हो, सॉरी फॉर्म बोल रहा हूँ, डाटा सबमिट करते हो इस फॉर्म पे, एंड वो जो बंदा आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है वो, या तो आप ही समझ लो प्रोस्पेक्ट हो मेरे, और ये यहाँ पर आप चले जाते हो थैंक यू पेज पे। ओके, सो यहाँ दो ही पेजेस रहते हैं और एक ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर का गेम होता है, ठीक है? क्लियर समझ में आया? अब यहाँ पर देखो कैसे काम करता है, यहाँ पर एक गिव अवे फनल है, अटेंशन यू कुड विन $100, राइट? यहाँ पर ये फनल है। तो अब यहाँ पर मान लो मुझे ये फनल मिला और मैं एक प्रोस्पेक्ट हूँ इनका, कस्टमर हूँ इनका, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना नाम डालूंगा, मैं डाल देता हूँ कुछ भी, एंड यहाँ पर मैं अपना ईमेल डालूंगा, एंड ईमेल में भी मैं ये डाल देता हूँ अपना ईमेल, ठीक है? तो भाई मैंने अपना ईमेल डाल दिया, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंप्लीट स्टेप वन पर क्लिक कर दूंगा। ओके, सो देखो जैसे मैं कंप्लीट स्टेप वन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे ही सॉफ्टवेयर के फनल है, ओके, जो ऑलरेडी बने हुए हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है? मैं आपको लिंक दे दूंगा सॉफ्टवेयर का, आप नीचे चेक कर लेना। तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा,
याद रखो, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में हो तो आपको फनल सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए मैं इनको कट टू कट करके बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो अब मैं थैंक यू पेज पर ड्राइव हो रहा हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है, एडजस्ट कर लो। ओके, तो ये है स्टेप टू और यहाँ पर ये फनल ख़त्म हो जाता है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये स्टेप टू आ गए, ठीक है, कंफर्म योर ईमेल बोल रहा है, मतलब कि इसने एक ईमेल सेंड कर दिया है। ऑटोमेशन पे रहती है सारी चीज़ें, ऑटोमेटिकली मेरे मेल पे, जीमेल पे पहुंच चुकी हैं। जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग हैक्स में आप लोग जो भी सबमिट करते हो वो आपको क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप लोगों के ईमेल पे आ जाता है, राइट? तो ऐसे ही इन लोगों ने क्या किया, ऑटोमेटिकली मेरे वहां पर सेंड कर दिया। देखो लिखा हुआ है, ओपन योर ईमेल एंड क्लिक कंफर्म टू एक्टिवेट योर एंट्री। बस हो गया, काम हो गया, ख़त्म। तो ऐसे ही करके इनको आपका ईमेल मिल जाता है और ऐसे ही आप भी इसको मार्केट करते हो एंड देन आप ईमेल के जरिए मार्केटिंग करते हो और नॉलेज देते हो। नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप गिव अवे कर रहे हो वो चीज़ आप देते हो, राइट? फिर उसके बाद ये ईमेल का पूरा गेम स्टार्ट हो जाता है। तो ईमेल टू ईमेल प्ले किया जाता है उसके बाद, देन आपका जो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्ड रहेगा आप उससे उसको ईमेल भेजोगे, जो भी चीज़ें आपको देनी है, गिव अवे करना है और जो भी चीज़ें आपको मार्केट करनी है। ओके, तो ऐसे काम करता है गिव अवे फनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बता दूं, ये कॉपी राइटिंग का पूरा गेम है, तो जो भी चीज़ें आप लिखें बहुत सोच समझ के अपने गिव अवे फनल में लिखें ताकि लोगों को क्लियर रहे और लोग उस पर अच्छे से, मतलब उस पर अपना फोकस दे सकें, क्योंकि आपका जो लिखना है ना वो बहुत क्लियर एंड सटीक होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, गिव अवे फनल्स कैसे काम करते हैं। है बहुत सिंपल चीज़ बट बहुत ही मुश्किल होती है सारी चीज़ों को समझने में। ओके, सो मेक श्योर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप नीचे पूछ सकते हैं। नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं और इस वीडियो कर सकते हैं लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।